नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भारतवंशी विवेक रामास्वामी का बड़ा ऐलान, बोले प्रेसिडेंट बना तो इसको बनाऊंगा एडवाइजर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की रेस शुरू हो गई है। इस चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के भारतीय अमेरिकी दावेदार है। विवेक रामास्वामी वह सिर्फ 38 साल के है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है। रामास्वामी ने कहा कि अगर वह 2024 में राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अरबपति कारोबारी एलन मस्क को वो अपना प्रशंसक का सलाहकार बनाना चाहेंगे। जब रामास्वामी से पूछा गया कि अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो वह किसको अपना सलाहकार बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब में इलोन मस्क का नाम लिया। रामास्वामी ने की इलोन मस्क की तारीफ। पिछले साल ट्विटर के मालिक बनने के बाद एलन मस्क ने बड़े पैमाने पर चटनी की थी, इसकी रामास्वामी ने काफ़ी तारीफ भी की। बायोटेक कारोबारी रामास्वामी ने कहा कि वह ऐसे नए आइडियाज़ के लोगों को चाहते हैं जो सरकार के भीतर से नहीं आते। रामास्वामी ने कहा, मुझे हाल में एलन मस्क को और बेहतर तरीके से जानकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि वह मेरे एक दिलचस्प सलाहकार होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्विटर के 75% कर्मचारियों की चटनी की। उन्होंने कहा कि इसके बाद प्रभावशीलता वास्तव में बढ़ गई, गौरतलब की है। 52 साल की इलोन मस्क स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक है। इससे पहले भी रामास्वामी ने सोशल मीडिया कंपनी एक्स के मैनेजमेंट को लेकर मस्क की तारीफ करते हुए देखा गया था। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा से ईडी की पूछताछ, ऑनलाइन सट्टा ऐप के आरोपियों के पाकिस्तान दुबई कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के घर पर बीते हफ्ते ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। मामले में अब सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से पूछताछ की जा रही है। साथ ही सीएम बघेल के ओएसडी मनीष बघोल सहित आशीष वर्मा नाम के अधिकारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े कई अन्य आरोपियों का पाकिस्तान और दुबई से भी कनेक्शन सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ प्रवर्तन निर्देशालय ईडी छापेमार कार्रवाई की थी। ईडी का आरोप था कि विनोद वर्मा अवैध ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के मामले में शामिल थे। ईडी ने विनोद वर्मा समेत 10 लोगों को संपत्तियों की तलाश ली थी। इससे सतीश चंद्राकर, गौरव चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा और सर्राफा व्यापारी अनिल दमानी, सुनील दमानी ये यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में विनोद वर्मा चर्चित नाम है। अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम विनोद वर्मा से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के पाकिस्तान दुबई कनेक्शन महादेव नाम के ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए बीते दिनों 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें सतीश चंद्राकर, अनिल दमानी, सुनील दमानी समेत पुलिस विभाग के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा शामिल थे। इन्हें कोर्ट में पेश कर 6 दिन की डिमांड पर लिया गया था। जांच में कई आरोपियों के पाकिस्तान और दुबई के कनेक्शन सामने आए। मामले में सीएम बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा के अलावा ओएसडी मनीष बघोल और आशीष वर्मा नाम के अधिकारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हर फैसले से पहले विचार करें कि धरती पर क्या होगा, इसका असर पीएम मोदी। नई दिल्ली 28 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G20 समिट में भाग ले रहे देश विदेश के प्रतिनिधियों से सबसे लिए लाभप्रद व्यवस्था तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर फैसले से पहले यह विचार करना चाहिए कि इसका धरती पर क्या असर होगा। प्रधानमंत्री ने G20 से जुड़े देशों के बिजनेस लीडर्स के शिखर सम्मेलन B20 को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य से जुड़े विचारों को आपस में जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। वह भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसका उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह बिजनेस और समाज को भी ग्रह के स्वास्थ्य को देखते हुए
फैसले लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन लाइफ के पीछे यह भी भावना है। उन्होंने कहा कि एक भरोसेमंद सफाई चेन की निरंतर बनाए रखने के भारत एक भरोसेमंद सहयोगी बनने के लिए तैयार है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान सफाई टूट जाने का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ जिसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कोरोना महामारी ने हमें यह बताया कि हमें आपसे विश्वास पर सबसे अधिक निवेश करना चाहिए। कोरोना महामारी ने भारत ने इसी आपसी विश्वास को दुनिया तक पहुंचाया। भारत ने 150 से ज़्यादा देशों को दवाइयां पहुंचाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कार्बन क्रेडिट सुना है, लेकिन भारत ने ग्रीन क्रेडिट का फार्मूला अपनाया। इसमें पर्यावरण के आधार पर बिजनेस का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि इसे वैश्विक अभियान बनाया जाना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दुर्लक्ष जातियों की असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत सभी को है, लेकिन कुछ ही देशों के पास इसके संसाधन है। ऐसा ना हो कि यह असमानता आने वाले समय में नए अनिवेशवाद को जन्म दे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।